Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, today we are going to learn a poetry of Isra 10th chapter 2.1. You start dying slowly. I have divided this poetry into two parts. So let's learn first part. You start dying slowly. You start dying slowly. इसके अगर लफ्जी माने को हम देखें तो you start तुम शुरू कर देते हो dying मरना मौत की तरफ जाना slowly यानी आहिस्ते आहिस्ते यानी आहिस्ते आहिस्ते तुम मरने के करीब जा रहे हो. तो ये लफ्जी माने अलग हैं. एक्चुअली इसके माने ये हैं कि जब कोई शख्स अपने बेहतर मुस्तकबिल से नाउमीद हो जाता है, एक अच्छे मुस्तकबिल से नाउमीद होता है, तो हम कहते हैं यू स्टार्टेड डाइंग स्लोली. पहले हम पोएट्री को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे. इफ यू डू नॉट ट्रेवल, ट्रेवल होता है सफर करना. इफ यू डू नॉट ट्रेवल, अगर तुम सफर नहीं करते हो यानी एक जगह मुंजमित हो गए हो, सफर नहीं करते हो. इफ यू डू नॉट रीड, अगर तुम पढ़ते नहीं हो. इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर तुम अपनी जिंदगी की आवाज को सुनते नहीं हो. इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, अप्रिशिएट कहते हैं तारीफ करना. अप्रिशिएट योरसेल्फ, अपने आप की तारीफ करना यानी अपने अंदर मौजूद अच्छाइयों को देखना. लेकिन नेगेटिव कहा गया. इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर तुम अपने अंदर मौजूद अच्छाइयों को नहीं देखते, अच्छाइयों की तारीफ नहीं करते, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम धीरे धीरे मर रहे हो यानी तुम अपने मुस्तकबिल से ना उम्मीद हो गए. नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे. व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम कहते हैं खुददारी को. इफ यू किल, किल यानी कत्ल कर देना, खत्म कर देना. इफ यू किल योर सेल्फ स्टीम, अगर तुमने अपनी खुददारी को खत्म कर दिया है. व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, जब तुम किसी और को तुम्हारी मदद करने नहीं दे रहे हो. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम धीरे धीरे मर रहे हो यानी बेहतर मुस्तकबिल से ना उम्मीद हो गए. यहां पे खास बात और देखेंगे कि पहले स्टेंजे में 5 लाइन्स हैं, दूसरे में 3 ही लाइन है. इसका मतलब ये हुआ कि इस पोएट्री में कोई राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है. इसको हम अप्रिसिएशन में देखेंगे आगे. नेक्स्ट स्टेंजा. इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, स्लेव कहते हैं गुलाम. If you become a slave of your habits, habits यानी आदतें, अगर तुम अपनी आदतों के गुलाम हो गए, मजबूर हो गए आदतों से, गुलाम हो गए आदतों के. Walking every day on the same path, हर रोज एक ही रास्ते पर चल रहे हो यानी तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है. If you do not change your routine, अगर तुमने अपने रोजाना के काम को चेंज नहीं किया, तब्दील न किया. इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर तुमने मुख्तलिफ रंगों के कपड़े न पहने यानी मुख्तलिफ किस्म की चीजों में शामिल न हुए. और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, या तुम उन लोगों से बात नहीं करते जिनको तुम नहीं जानते, यानी अकेलापन रहना महसूस करते हो, अकेले रहना महसूस करते हो. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो इसका मतलब है कि तुम धीरे धीरे
मर रहे हो, यानी अपने मुस्तकबिल से नाउमीद हो रहे। इस तरह से तीन स्टेंजे पर ये पहला पार्ट मुकम्मल हमने किया। ये इसलिए किया है कि पोएट्री के जो हमारे पांच नंबर के सवाल आते हैं, इसकी कई एक ज्यादा सेट्स की हम प्रैक्टिस कर सके। तो फर्स्ट सेट हम देखेंगे। फर्स्ट सेट जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। से whether the following piece of advice by the poet are right or wrong? Right or wrong बताना है। True false नहीं है, right wrong कहा गया है, माने तो वही है, लेकिन सवाल में जैसा instruction होगा जवाब हम उसी तरह से लिखेंगे। Appreciate your own good qualities, तो ये हमारा right statement है। Appreciate your own good qualities लिख के आगे ब्रैकेट में हम राइट लिखेंगे। नेक्स्ट इज यू शुड किल योर सेल्फ स्टीम, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे यू शुड किल योर सेल्फ स्टीम, ब्रैकेट में आ जाएगा रॉन्ग। थर्ड इज बी स्लेव ऑफ योर बैड हैबिट्स, बी स्लेव ऑफ योर बैड हैबिट्स, पोएट्री में देखेंगे तो ये रॉन्ग है, इसलिए बी स्लेव ऑफ योर बैड हैबिट लिख के रॉन्ग लिख दिया जाए। फोर्थ इज डोंट बॉदर टू चेंज द रूटीन, ये राइट है, तो डोंट बॉदर टू चेंज द रूटीन लिख करके राइट लिखा जाएगा। सिर्फ हम आंसर पेपर पे सिर्फ आंसर ही लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखेंगे, क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स कैन लीड टू स्लो डेथ, वो कौन सी चीजें हैं जो आहिस्ते आहिस्ते मौत की तरफ ले जाती। जवाब 2 नंबर का है। इफ वन इग्नोर्स ट्रेवलिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू द साउंड ऑफ लाइफ, नोइंग वन्स ओन क्वालिटीज, कीपिंग सेल्फ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, टेलिंग अदर्स टू हेल्प यू, देन वन कैन लीड टू स्लो डेथ। पोएट्री में से तमाम बातें पॉइंट्स को सेंटेंसेस के सोच में बनाया गया। ऑल्सो इफ वन बिकम अ स्लेव ऑफ वन्स हैबिट्स, does the same things every day without changing the routine, wears the same colors, avoids speaking to strangers, one can lose all her or his happy future. ये स्टेंजेस से ही वर्ड्स को कलेक्ट करके सेंटेंसेस बनाए गए 2 मार्क्स के लिए। A3 is write the opposite of the following in the form of advice using different forms, words and phrases. जो पोएट्री में आए हुए वर्ड्स है उसी के अपोजिट करके लिखना है। अपोजिट हमें लिखना है जो पोएट्री में जवाबात मौजूद है। फर्स्ट वन इज यू डू नॉट ट्रेवल, तो इसका अपोजिट आएगा जो पोएट्री में आया है, यू शुड ट्रेवल एज मच एज यू कैन, अपोजिट। सेकेंड, यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, पोएट्री में आया इसका अपोजिट, सवाल दिया गया यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ। तो इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 ही काफी हैं, क्योंकि 1 नंबर का सवाल होता है, इसके 2 पॉइंट काफी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस का दौर है इसलिए हम कुछ और सवाल कर लेते हैं इसी पर। थर्ड है यू किल योर सेल्फ स्टीम, तो पोएट्री में जो अपोजिट बात आई है यू शुड कीप अप योर सेल्फ स्टीम। फोर्थ इज You become a slave of habits. देखेंगे आप पोएट्री में जो है उसका अपोजिट कहा गया है, तो इससे आप पोएट्री से आंसर मिलाएंगे। Don't become a slave of habits. Fifth is you refuse to speak to strangers. और जवाब है you should speak to strangers. तो प्रैक्टिस के लिए सवाल काफी हो गए, इम्तिहान में सिर्फ 2 ही सवाल होंगे 1 नंबर के लिए। यहाँ पे ये पोएट्री का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हुआ। मजीद आगे पोएट्री को मुकम्मल करने के लिए आप सेकेंड पार्ट देखें। अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।